जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस फोर्स पर। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 0-2022 बैच नाविक GDDB यंत्र के एग्जाम के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो एग्जाम है वो 28 मार्च से 31 मार्च तक होने वाला है, तो वहाँ पर आपकी काफ़ी जो क्वेश्चन है एग्जाम को लेकर क्या है कि वैक्सीन लगवानी जरूरी है, उसके बाद है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर सबसे बड़ा स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन की वैक्सीन सर्टिफिकेट को ले जाना है एग्जाम सेंटर पर कि नहीं ले जाना है, और सबसे बड़ा जो सवाल है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये स्टूडेंट पूछ रहे हैं इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, किस तरीके से ये हमको मिलेगा। और जैसा कि आप सभी लोगों को जानते हैं कि वैक्सीन जो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी आपके एग्जाम सेंटर पर। इसके बिना आपके ये आपका ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा है, इसको आप डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा मान सकते हैं। इसके बिना आपके एग्जाम सेंटर पर इसको चेक किया जाता है आपके एडमिट कार्ड के जैसे ही, और तभी आपकी एंट्री कराई जाती है आपके एग्जाम सेंटर के अंदर। तो यहाँ पर भी बात करेंगे किस तरीके से आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको मिलेगा और किस तरीके से आपको इसको डाउनलोड करना है। और देखिए, पहले मैंने भर के आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को किस तरीके से भरना है मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया, तो अगर वो आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आके देख सकते हैं किस तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को हमको फिल करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी आपके डाउट्स हैं वैक्सीन को लेकर, आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर और आपके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर, वो यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका एग्जाम 28 से 31 मार्च तक होने वाला, तो आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आपका एग्जाम किस डेट को है, 28 को है, 29 को है, 30 को है, 31 को है। आप अपनी डेट बताएं और अपना हो सकता है एग्जाम सेंटर भी बता दें कि आपका किस सिटी में आपका एग्जाम सेंटर है और किस डेट को आपका एग्जाम है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें। तो चलते फ्रेंड्स अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले आपको एक जानकारी देनी है कि कोस्ट गार्ड परीक्षा ऐप पर कोस्ट गार्ड नाविक GD और DB की अभी आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको आप जरूर ज्वाइन करें। जो भी आपके 4 से 5 दिन आपके एग्जाम के हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मोर देन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कट ऑफ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है आपके कोस्ट गार्ड के एग्जाम में। तो वहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे आपकी टाइमिंग सुधार में आ जाए और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। इसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, जब आप इसको ज्वाइन करें तो ये कोड आप जरूर यूज कर लें ASFC50 के नाम से, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपने टॉपिक के ऊपर, जहां पर बात करेंगे अपने जो भी अपने टॉपिक हैं वैक्सीन, वैक्सीन सर्टिफिकेट और आपके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर क्या राय है। देखिए, वैक्सीन सर्टिफिकेट की अगर हम बात करते हैं, वैक्सीन सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो अभी तक कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई भी ऐसा नोटिस जारी नहीं किया गया है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को आपके एग्जाम सेंटर पर लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है। मैं आपको सजेशन करता हूं, अगर आप वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर भी जाते हैं अपने एग्जाम सेंटर पर तो भी उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो आपका कहीं ना कहीं डला हुआ मिलेगा। जैसे पहले आपका जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वैक्सीन सर्टिफिकेट मैंने बहुत सारे देखे एग्जाम सेंटर पर, वो बाहर ही पड़े रह जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप वैक्सीन सर्टिफिकेट को ले जाएं या नहीं ले जाएं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप अगर अपने साथ रखना चाहते हैं वैक्सीन सर्टिफिकेट को तो रख सकते हैं, लेकिन कोई वहाँ पर उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आप ये परेशान बिल्कुल मत होइए कि अगर हम वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर नहीं जाते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको नहीं देने दिया जाएगा। तो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको ले जाएं या ना ले जाएं उस पर कोई ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसा आपका मन हो, अगर आप ले सकते हैं अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं तो आप ले जा सकते हैं, और अगर आप नहीं ले जाना चाहते हो तो आप मत ले जाइए। बात करेंगे हम आपके वैक्सीन आपको लगवाना जरूरी है कि नहीं लगवाना जरूरी है। तो यहाँ पर भी वही आपकी सिचुएशन बनती है कि वैक्सीन यहाँ पर कोस्ट गार्ड की तरफ से ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया है कि आपको वैक्सीन बहुत ज़रूरी है लगवानी। अगर आपने देखिए, मैं बोलता हूँ अगर आपने नहीं लगवाई तो एक बार लगवा लें, लेकिन कोस्ट गार्ड की तरफ से अगर हम देखते तो अभी तक उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको वैक्सीन लगवा के ही आना है। बस आपको सिर्फ COVID-19 यानी कोरोना की जो आपके उनको जो प्रोटोकॉल होते हैं, जिनको आप बाउंडेशन मान सकते हैं, जिसको आप प्रोटोकॉल मान सकते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मास्क आपको लेके जाना है, आपको सैनिटाइजर वगैरह लेके जाना है, वो भी ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए आपकी जिसमें आपका आर पार दिखता हो। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर सिर्फ प्रोटोकॉल को यहाँ पर आपको फॉलो करना है, ना आपको वैक्सीन मतलब ये है कि आपको सर्टिफिकेट लेके जाना है, ना कोई ऐसा अभी तक इशूज है मुद्दा आया सामने कि वैक्सीन आपको लगवा के ही जानी है आपके एग्जाम सेंटर पर। तो अगर आपका जैसा मन हो कि आप वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं, और अन्यथा आप नहीं भी ले जा सकते तो कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होने वाली। हम बात करेंगे आपके जो आपका थर्ड नंबर था सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, सबसे इम्पोर्टेंट इस पर आप ये समझ लीजिए कि अगर ये नहीं ले जाते आप तो फिर आपकी एंट्री नहीं होगी, साफ साफ आपकी एंट्री नहीं होगी। क्योंकि एडमिट कार्ड में देखिए साफ लिख दिया जाता है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको फिल करके वहाँ पर जमा करना होता है। क्या होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और इस ये आपको किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर आपको बता दें कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जब आपका एडमिट कार्ड आएगा
तो उसके लास्ट पेज पर एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज आपका पहला हो गया और आपका जो लास्ट पेज होता है एडमिट कार्ड का, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। इधर आपको सबसे जो लास्ट पेज होगा उसमें आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, तो आपको एडमिट कार्ड प्रिंट को कराना है और आपको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को प्रिंट कराना है। मैंने आपको सैंपल दिखाया हुआ है कि किस तरीके से उसमें आपका नाम होगा, उसमें आपका हॉल टिकट नंबर होगा, उसमें आपकी DOB होगी, उसमें आपके पिताजी का नाम होगा। तो ये चार आपको पहले से ही फिल मिलेंगे। उसमें आपको जर्नी अपनी फिल करनी होती है, अपने सिग्नेचर और कुछ जो टिक करने के लिए आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं यस नो टाइप में, वो आपको फिल करने। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको भरना है, तो उसकी जो लिंक है मैंने डाल दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वीडियो आप जरूर देख लें जिससे कोई भी गलती ना हो आपके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में। अगर कोई भी आपके मिस्टेक होती है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैंने बता दिया कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कोई बिना एंट्री आपकी नहीं होगी। तो जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, अगर आपका एग्जाम 28 को है तो आपका 24 को एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो 24 को या 25 को एडमिट कार्ड आ जाएगा, देख लेना आपको कब बताया गया है। उसमें आपको जब आपने एग्जाम सिटी और डेट देखी होगी तो उसमें लिखा होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 24 को दिया जाएगा कि 25 को। अगर हो सकता है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो 24 को ही दिया जाएगा मेरे ख्याल से। अगर आपको 24 को दिया जाता है तो एडमिट कार्ड का फ्रंट पेज आपको प्रिंट कराना है और आपको लास्ट पेज अपना प्रिंट कराना है। इसमें जो आपका लास्ट पेज होता है यही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। इसमें लिखा हुआ होता है सेल्फ डिक्लेरेशन और उसमें आपका ICG बैच लिखा होगा 02-2022 इस तरीके से आपका लिखा हुआ होगा और वही आपको फिल करना है अपने यस नो टाइप में। जो भी आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं उसमें आपको उसको फिल करना है। तो आपको बता दिया कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको अपने एडमिट कार्ड में ही मिलने वाला है और उसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। तो वो आपको लेके बहुत जरूरी है, लेके जाना और वहां पर ही इसको फिल करें आप। देखिए अगर आप यहां पर भी फिल कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएं, जब आपकी एंट्री होना शुरू हो जाए तो उसके 10-5 मिनट पहले उसको आप फिल कर लें अपने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को। तो मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आपको फिल करना है। तो आई होप आपकी जो जितने भी डाउट्स थे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपके कोई भी डाउट्स वगैरह रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आप हमको ये जरूर बताएं कि आपका जो एग्जाम है वो किस डेट को होने वाला है कमेंट सेक्शन में। तो आप मैंने बता दिया कि वैक्सीन सर्टिफिकेट जो आपका वैक्सीन लगवानी जरूरी है, तो ऐसा कोई भी अभी तक इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नहीं बताया कि आपको लगवा के ही आनी है। दूसरे नंबर पर कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर जाना है, तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है कि अभी तक कोस्ट गार्ड की तरफ से ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट लेकर ही आना है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी। एंड आपका जो थर्ड नंबर ये आपका इंपॉर्टेंट है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म इसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी, ये कोस्ट गार्ड बोलते हैं। तो ये आपको लेके जाना है और आप वहाँ पर इसको फिल करके एक बॉक्स टाइप का होगा वहाँ पर इसको आपको रख के जाना है। वो उनका सिचुएशन है, वो किस तरीके से उसको जमा कराते हैं, हाथ में लेके जमा कराते हैं या वहाँ पर उस पर डिब्बा वगैरह रखा होता है वहाँ पर वो लोग सभी लोगों का कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा अपने एडमिट कार्ड में ही और ये आपको लेके जाना है और वहीं पर इसको आप फिल कर लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।